क्या सच में अब इंडिया का नाम भारत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राजनीति गर्म हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने जहाँ ये कह दिया है कि इंडिया और भारत एक ही है। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही है, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। ये आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं। तो वहीं अब अनुराग ठाकुर ने यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत की बात को सुनने के बाद एक बड़ा पलटवार किया है। देखिए, कुछ लोग केवल बयानबाजी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आखिरकार भारत का विरोध क्यों? ये भारत विरोधी मानसिकता क्यों? आप गर्व से कहते हो हम भारतीय हैं, आप गर्व से कहते हो हिंदुस्तानी, आप गर्व से कहते हो हम इंडियन हैं। आखिर भारत शब्द का प्रयोग करने पर इतना ऐतराज क्यों? तो अनुराग ठाकुर ने जो कहा उसको लेकर यहाँ पर पवन खेरा ने सोने और गहने की बात कर दी। यहाँ पर पवन खेरा ने एग्जाम्पल की बात कर दी कि आप पर्यायवाची तो पढ़े होंगे। कौन है वो ताकतें जिनको एक जुड़ा हुआ भारत पसंद नहीं है, जो अब भारत को इंडिया से भिड़वा रहे हैं? कौन है वो ताकत? सोना हो या गोल्ड हो, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में, कीमत थोड़े बदल जाएगी। तो ये जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, इनका चेहरा बेनकाब, हम एक राजनीतिक दल हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं है, आप मीडिया हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भारतवासी इस चेहरे को पहचान चुका है जो भारत को इंडिया से लड़वाना चाहता है। वहीं मनोज तिवारी ने यहाँ पर पवन खेरा के इस बयान को सुनने के बाद अपनी राय को रख दिया। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जम्बू दीपे आर्यावर्ते भारतवर्ष प्रतखंडे भारतवर्षे, तो फिर भारत नाम से इनको चिढ़ क्यों हो रही है? हमारा देश का नाम भारत है और इसको अंग्रेजों ने एक नाम अंग्रेजी में कह दिया, इसको इंडिया कहें। अब सवाल उठता है, ठीक है हमारा देश उदार है, उसने उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन गुलामी के खंड में से सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या किसी देश का भी अंग्रेजी नाम दूसरा होता है? आप चाइना का दूसरा नाम अंग्रेजी में बताइए, अमेरिका का अंग्रेजी नाम बताइए, आप दुनिया के और भी देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इनका जरा अंग्रेजी नाम बताइए। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, किस तरीके से संवाद अब विवाद के रास्ते पर चलने लगा है, और इस मुद्दे को लेकर पूरा विश्लेषण किया गया है कि आखिर सच क्या है, आखिर होगा क्या, क्या सच में तुलनात्मक विश्लेषण के बाद भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इंडिया को भारत कर देंगे, क्योंकि G20 में यही हुआ। G20 के सम्मेलन में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की जगह भारत की जो है यहाँ पर प्लेट रख ली। नेम प्लेट को देखने के बाद ये कहा गया कि अब वह वक्त दूर नहीं है जब इंडिया भारत हो जाएगा। ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो जीवन मेरा। लेकिन आज बलिदान हम भारत वर्सेस इंडिया की कर रहे हैं कि इन दोनों में से बलिदान किसका होगा। भारत देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, भारत देश के कई सारे नाम है, लेकिन इसके बीच जो विवाद है वो ये है कि इंडिया वर्सेस भारत में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार किसे चुनेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि G20 के सम्मेलन में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नेम प्लेट पर इंडिया की जगह भारत लिख दिया, तो वहीं विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर सवाल खड़े कर दिए कि ये करना ठीक नहीं है, आप ये विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं।
इंडिया भारत विवाद पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की ये रणनीति है और इसी के चलते तमाम विपक्ष के नेता एक के बाद एक बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और यहाँ पर विशुद्ध राजनीति की दास्तान की बात कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार बिना फालतू का जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। दर्शकों आपको बता दें कि भारत का नाम, जी हाँ, इंडिया का नाम भारत करने को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष का दावा है कि आगामी संसद के विशेष सत्र में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाएगा। इसको लेकर केंद्र संविधान में संशोधन करेगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे अपवाह करार कर दिया है। ठाकुर ने यह कहा कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो चल रही हैं। बस इतना कहना चाहता हूं कि भारत शब्द जिस किसी को भी आपत्ति लगता है उसकी मानसिकता साफ झलकती है। यानी कि अनुराग ठाकुर ने तराजू के दोनों पड़ले को समान रखा, एक तरफ ये कह दिया कि अफवाह है तो दूसरी तरफ ये कह दिया कि भारत शब्द से जिसको आपत्ति है उसकी मानसिकता झलकती है, यानी कि उसकी मानसिकता में कीड़े पड़ गए हैं, उनका यही कहना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आज हम जिक्र करने वाले हैं कि आखिर क्यों भारत में भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई बरकरार है। क्या ये गलत नहीं है कि जहां आपको बेरोजगारी, महंगाई जैसे जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, वही सरकार ने एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, वो है भारत वर्सेस जो है यहाँ पर इंडिया। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की टीम इंडिया की जगह भारत रख देती तो क्या भारत का नाम हटा देते, या फिर गठबंधन का नाम नरेंद्र मोदी रख देती तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नाम बदल लेते, या यहाँ पर देखा जाए तो इस गठबंधन का नाम हिंदुस्तान रख दिया जाता तो क्या हिंदुस्तान शब्द खत्म कर देते। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर जब आपने इंडिया शब्द उपयोग किया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमने इंडिया को गठबंधन शब्द के रूप में जो है यहाँ पर यूज कर लिया, उपयोग में ला गया, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पत्रकारों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, हम खुद को भारत की आवाज मानते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना परेशान कर रहा है कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये राहुल गांधी ने फिर से कह दिया। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि अब मान हानि का केस जो है ठोक देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत की बुराई कर दी, भारत की बदनामी कर दी। दर्शकों, आपको बता दें कि यूरोपीय देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के एक प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार यानी कि 8 सितंबर को इंडिया बनाम भारत विवाद, कश्मीर और लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले के अलावा नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन जैसे कई विषयों पर बात की, और इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने इस बात को भी बताया कि ये भारत के लिए बहुत गलत बात है जहां इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई चल रही है और भारत के जो है दो टुकड़े देखे जा रहे हैं। हालांकि इस बात को नहीं कहना चाहिए, लेकिन वर्सेस लगा देने का मतलब ये है कि चूज कर लो कि आपको कौन सा नाम रखना है। जबकि देखा जाए तो जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लगातार हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं, हम भारत भी बोलते हैं, हम इंडिया भी बोलते हैं, हम अनेकता में एकता वाला देश भी बोलते हैं, हम तिरंगे वाला देश भी बोलते हैं, हम आर्यवर्त भी बोलते हैं, हम जो है बहुत कुछ अपने भारत के नाम लेते हैं, लेकिन अब बात ये आ गई है कि आखिर ऐसा क्यों। दर्शकों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम पर G20 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भेजे जाने के बाद सोशल मीडिया पर उपजे विवाद पर टिप्पणी करते हुए राहुल ने इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ध्यान भटकाने वाली रणनीति बता दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जो नाम है उनसे मैं पूरी तरह खुश हूं, इंडिया यानी भारत मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। जब राहुल से पूछा गया कि उन्हें कौन सा नाम पसंद है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इंडिया भी पसंद है, मुझे भारत भी पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक तरह से घबराहट की प्रतिक्रियाएं हैं, सरकार में थोड़ा डर है, ये ध्यान भटकाने वाली रणनीति है,
सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके एक मुद्दे से, आपके एक मसले से पूरे देश में, पूरे विश्व में किरकिरी हो सकती है। राहुल गांधी वर्तमान में बेल्जियम से शुरू होने वाली यूरोपीय दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष द्वारा अपने गठबंधन को इंडिया नाम देने से परेशान है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम लेकर आए हैं और यह एक शानदार विचार है क्योंकि यह दर्शाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम खुद को भारत की आवाज मानते हैं और इसलिए यह नाम बहुत अच्छा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को इतना परेशान कर रहा है कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो कि बेतुका है। ये बात राहुल गांधी ने बेल्जियम में कह दी। अब इस बात को सुनने के बाद कई सारे नेताओं का खून खौल उठा, कई सारे नेताओं का दिमाग जो है परेशान हो गया, कई सारे नेताओं को नींद नहीं आ रही, कोई पानी पीते पीते आधा गिलास रख दे रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि फिर से राहुल गांधी ने जो है देश का अपमान कर दिया। मोदी सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक रुख जारी रखते हुए राहुल ने कहा कि यह दिलचस्प है कि हर बार जब हम अडानी और क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा उठाते हैं तो प्रधानमंत्री एक नाटकीय रणनीति के साथ सामने आ जाते हैं। अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद यह बदलाव लागू किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों को जो है बेल्जियम में उठा दिया। कश्मीर पर अपना रुख दोहराते हुए उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह हमारे अलावा किसी और का नहीं है, हमारी स्थिति स्पष्ट है, यह महत्वपूर्ण है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की जाए और भारत के हर हिस्से में लोगों की आवाज की रक्षा की जाए। ये बात राहुल गांधी ने जो है बेल्जियम में कही। उन्होंने G20 सम्मेलन में विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं करने के लिए भी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इससे पता चलता है कि वर्तमान नेतृत्व भारत की 60% आबादी के नेताओं को महत्व नहीं देता है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह सोचना चाहिए कि इस विचार के पीछे किस प्रकार की सोच है। हालांकि ये गलत है कि आप जो है G20 का शिखर सम्मेलन कर रहे हैं तो वहां पर विपक्ष को दूर रख रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को जो है आगे लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये बात तय है कि लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का होना तय है। विपक्ष होता है तभी सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री राजा हैं और राजाओं के सामने प्रजा क्या होती है आप जानते हैं। एक राम राजा हुए तो दूसरे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा हैं। अब दोनों राजाओं की कल्पना और तुलना भी आप कर सकते हैं और एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के स्वभाव को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे देश को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया जा रहा है और हमारा मानना है कि हमारे संघ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके सदस्यों के बीच बातचीत है। यह महात्मा गांधी के दृष्टिकोण और नाथूराम गौडसे के दृष्टिकोण के बीच की लड़ाई है। भाजपा का मानना है कि सत्ता को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए, धन को केंद्रित जो है किया जाना चाहिए और भारत के लोगों के बीच बातचीत को दबा दिया जाना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कही है। उन्होंने कहा है कि भारत में भेदभाव और हिंसा में वृद्धि हुई है। उन्होंने इसे हमारे देश के लोकतांत्रिक संस्थानों पर पूरी तरह से हमला करार दिया है। ये बात भी राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि विपक्ष रूस यूक्रेन युद्ध पर भाजपा की वर्तमान स्थिति से सहमत है और एक बड़ा देश होने के कारण भारत के लिए दुनिया भर में द्विपक्षीय संबंधों की एक श्रृंखला होनी स्वाभाविक है। यानी कि राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता रहा, राहुल गांधी की राजनीति को गंदा बताया जाता रहा और ये भी कहा जाता रहा कि राहुल गांधी को राजनीति करना नहीं आता है, लेकिन जब जब राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तब तब ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनसे लगता है कि सच में ये कहीं ना कहीं बारीकी मुद्दा है। आप देख लीजिए, G20 की बात की, भारत का नाम, इंडिया का नाम बदलने की बात की, इसके साथ महंगाई बेरोजगारी की बात की, अडानी की भी बात कर दी, रूस यूक्रेन की बात कर दी, G20 की बात कर दी, यानी कि विशेष मुद्दों को रखकर राहुल गांधी ने वहां पर अपनी दृष्टि को, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर मोदी सरकार द्वारा अपनाए गए सतर्क दृष्टिकोण के बारे में एक यूक्रेनी समाचार एजेंसी के सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष कुल मिलाकर युद्ध पर भारत की वर्तमान स्थिति से सहमत होगा। ये बात जो है राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि रूस के साथ हमारा रिश्ता है और मुझे नहीं लगता कि सरकार वर्तमान में जो प्रस्ताव दे रही है उससे विपक्ष का कोई अलग दृष्टिकोण होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि PDT आचार्य जी जो है उन्होंने भी अपनी बात को रखी और उनसे एक इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा इंडिया वर्सेस भारत को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दर्शकों, आपको बता दें कि इंडिया का जो नाम है किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है और अमेंडमेंट के जरिए आप इंडिया का नाम भारत रख सकते हैं। ये बात जो है पीडीटी आचार्य कह रहे हैं, भारतवर्ष रख सकते हैं, आर्यवर्त रख सकते हैं और यहाँ पर जम्मू द्वीप रख सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट और पार्लियामेंट के ऊपर है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इसको चेंज किए बिना अभी जो सवाल आपने उठाया है कि राष्ट्रपति जी ने अपने निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत रखा है, वो असल में अनुच्छेद 52 के अनुकूल नहीं है, उससे मेल नहीं खाता, क्योंकि उसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक पद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाना जाता है, खाली प्रेसिडेंट लिखने से नहीं होता है। जब तक इंडिया का नाम चेंज नहीं होता है तब तक इंडिया लिखना ही पड़ेगा। जब एक बार इंडिया का नाम भारत हो जाएगा तो भारत ही लिखिएगा, क्योंकि एक कंट्री का नाम एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकता। और अनुच्छेद एक में जो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत धारणा है। ये बात जो है पीडीटी आचार्य ने कही है। कैसे शुरू हुआ विवाद, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल G20 समिट को लेकर राष्ट्रपति ने 9 सितंबर को डिनर आयोजित किया, जिनके आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। वहीं 20वें जो है यहाँ पर 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा पर एक सरकारी पुस्तिका में नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री रूप में संदर्भित किया गया। इसके बाद जो है विवाद पैदा हो गया और इसने कुछ सवाल खड़े कर दिए। भारत और इंडिया नाम कहां से आया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास डिपार्टमेंट के हेड डीपी कमल ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहा कि सिंधु नदी की ग्रीक भाषा में इंडस कहते हैं, कुछ लोग कयास लगाते हैं कि उससे नाम पड़ा, जबकि कुछ का कहना है कि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जब भारत से लौट कर गए तो उन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी जिससे जो है इंडिया नाम पड़ा। ये बात जो है पौराणिक ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा में देखी गई। क्या अंग्रेजों ने दिया था इंडिया का नाम, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब प्रोफेसर डीपी कमल ने हाँ में दिया। उन्होंने कहा इंडिया कहीं मेंशन नहीं है, अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ करके भारतवर्ष को इंडिया कहा। प्रोफेसर डीपी कमल ने आगे कहा अंग्रेजी के जो भी शब्द हैं वो कायदे से अंग्रेजों के ही देन है। ये बात उन्होंने कही। अंग्रेजों ने अपने समझाने के लिए ये तमाम नामकरण किए थे, ये बात भी उन्होंने कही। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगातार लोग अब इस नाम के पीछे पड़ गए हैं कि सच्चाई इसकी आखिर है क्या। कब कब हुई इंडिया नाम हटाने की कोशिश, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2012 में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने जो है मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद एक में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ हो उसे बदल कर भारत कर दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ पिछले सालों में, पिछले वर्षों में। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंत शाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। 2014 में तात्कालिक बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक, जी हां, प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव जो है किया गया था। बीबीसी के अनुसार जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इस भारत को बदल कर केवल भारत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिया से आया है, इसलिए इसका नाम हटा देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार कई बार कोशिशें की गई। अब हम ये जानेंगे कि दुनिया में किन किन देश के नाम बदले गए। जी हाँ, एक बार नजर इस पर भी डाल लेंगे। यही दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर हॉलैंड का नाम नीदरलैंड किया गया, तुर्की का नाम तुर्कीय किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने देश हैं जिनका नाम बदला गया। यहाँ पर आपको बता दें कि चेक रिपब्लिक का नाम चेकिया किया गया, सियाम का नाम यहाँ पर थाईलैंड किया गया, बर्मा का नाम यहाँ पर म्यांमार किया गया। दर्शकों आगे चलते हैं, ईस्ट जर्मनी का नाम यहाँ पर जर्मनी कर दिया गया, फ्रेंच सूडान का नाम यहाँ पर माली कर दिया गया। इसके साथ साथ दर्शकों आपको बता दें कि स्वाजीलैंड का नाम यहाँ पर इस्वातिनी कर दिया गया,
मैसेडोनिया गणराज्य का नाम उत्तर मैसेडोनिया गणराज्य कर दिया गया, कंपूचिया का नाम कंबोडिया कर दिया गया और यहाँ पर पर्शिया का नाम ईरान कर दिया गया। इसके साथ साथ सीलोन का नाम श्रीलंका कर दिया गया। तो क्या अब आने वाले समय में इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा? वैसे इंडिया और भारत एक ही है, हिंदुस्तान एक ही है, लेकिन जो लिस्ट मैंने आपको बताई है क्या अगला नाम यहाँ पर ये होगा इंडिया डॉट भारत, आपको क्या लगता है? और दर्शकों जाते जाते मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या ये ठीक है कि यहाँ पर इंडिया की जगह भारत उपयोग में लाया जाएगा? अब देखना ये पड़ेगा कि सरकार का फैसला कैसे आता है और कैसे विधेयक पेश किए जाते हैं और कैसे कानून बनता हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं और विपक्ष इस बात को कैसे जो है गलत ठहरा देगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।